भगवान को याद करने के लिए एक पर्टिकुलर डे होता है बट यस इट्स दिस इज एन ऑस्पिशियस टाइम एंड भगवान से ये तो मांगूंगी कि जो सारे ट्रबल्स विघ्नों को हरे और सबको कुछ वेल इस समय गणपति में मैंने काश रखा है और आप सभी को ये बात कहना चाहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी दिन है. मैं यहाँ आई हूँ और इतने अच्छे इसमें हूँ तो मैं आप लोग के सामने ये चीज़ बोल दूँ. आज दोपहर को ही मेरी एक मूवी साइन हुई है एंड आई वुड से मेरे लिए करियर चेंजिंग फिल्म है और पापा ने आज सुबह सुबह इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी तो आज का दिन तो मतलब बहुत अच्छा है. देखिए हम क्या फेमस करेंगे गणपति पापा को, ये मजाक बहुत अच्छा करते हैं. ठीक है हम क्या फेमस करेंगे, उनका आशीर्वाद रहा है तो ही हम फेमस हो सकते हैं वरना तो हमें कोई पूछे भी ना. तो फिलहाल तो हम गणपति पापा का आशीर्वाद लेने आए हैं क्योंकि एक नई शुरुआत है मेरी भी लाइफ की. आज मैं बॉलीवुड में दो फिल्में मैंने साइन की है जैसे वासु जी की और मिस्टर बुद्धू जो राजकुमार राव की, तो जो ये मानसून के बाद स्टार्ट होने वाली तो अभी मुझे वैसे भी हमेशा वैसे तो जरूरत रही है गणपति पापा की पर अभी कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग की जरूरत है जैसे थोड़ा सा बटरिंग करने आई हूँ. गणपति के दर्शन करके बहुत अच्छा एक अपने आप में ही ऐसी खुशी मिलती है और सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है और गणपति बप्पा मोरिया इन दिनों तो बस बल्ले बल्ले है जी. भगवान आते हैं जैसे कहते हैं जब भगवान आते हैं तो अपने आप में अच्छी बात होती है. जब भगवान आए हैं जैसे भी गणपति जी हैं अभी दुर्गा माँ आएंगी अभी लक्ष्मी माँ आएंगी तो अपने आप में बहुत ही अच्छा समय हो गया ना. वो तो अपने आप में क्या था ना रोज दिवाली दिवाली ब्राइट और अच्छा दिन आ गए अभी मुझे भी ब्राइट के मैं बॉलीवुड में ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी थैंक यू.